दोस्तों, ये सैमसंग का A04E मॉडल का मोबाइल है और गवर्नमेंट वाला। इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि इसका यूट्यूब जो है चल नहीं रहा है और अपडेट करने पर जो है ये अपडेट नहीं हो रहा है, इरर शो हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसको किस तरीके से सही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अपडेट पर जैसे क्लिक करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, सीधा डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर देखिए एयर का दिख रहा है नीचे। तो अभी हम इसको बैक करके तो प्ले स्टोर से जो है अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ईमेल से लॉगिन कर लिया है और अब इसको जो है अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इरर्स हो रहा है और अपडेट नहीं हो रहा है। तो अब हम इसमें हमको करने के लिए हमको जो है वाईफाई से कनेक्ट करा लेना है अपना सेट, और इसके बाद जो है सेटिंग में जाना है। ये इसमें जो है वाईफाई हमने कनेक्ट किया था और इसके देखिए अबाउट फ़ोन में जाना है या सॉफ्टवेयर अपडेट पे। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड इन इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है लेकिन वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर अपडेट शो हो रहा होगा तो आप वहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पर देखिए सर्च करिए, क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है, यहाँ पर सर्च करना है youtube.apk, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं भी सर्च कर ले रहा हूँ youtube.apk, कुछ इस तरीके का देखिए इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो हमको दिख रहा है अप टू डाउन वाला, इस पर हमको क्लिक कर देना है और चलिए क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोडिंग ले रहा है, तो नेट थोड़ा स्लो है इसके लिए जो इसमें टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा नीचे, लेटेस्ट वर्जन पर हमको क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा नेट स्लो है इसलिए वीडियो को थोड़ा रोकना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो है वीडियो पूरी तरीके से रियल है। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग हो रहा है और इसको डाउनलोड होने देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से वीडियो बीच बीच में रोक दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड होने के बाद हमने इस पर जो है अपडेट पर क्लिक किया था, अपडेट पर क्लिक करने के बाद जो है सेटिंग खुला था और वहाँ पर हमने क्रोम ब्राउज़र को जो है सेलेक्ट करके फिर से इसको इंस्टॉल किया। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉल हो चुका है और इसको ओपन किया और अलाउ मांग रहा था, अलाउ कर दिए। और अभी देखिए हम शॉर्ट पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको शॉर्ट पर क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट वीडियो हमारा चल रहा है। और अभी हम क्या करेंगे, बैक करके यहाँ पर देखिए कुछ जब सर्च करेंगे तभी इसमें जो है इंटरफेस आएगा वीडियो का। तो चलिए इसको सर्च करते हैं यहाँ पर। तो मैं अपना यूट्यूब चैनल ही सर्च कर ले रहा हूँ, तो आपको इस तरीके से सर्च कर लेना है। तो ये देखिए हमारा यूट्यूब चैनल खुल गया है और इसको मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ, आप भी इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए वीडियो हमने प्ले किया और वीडियो भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जो इसमें प्रॉब्लम था हमारा वो सही हो चुका है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके किसी रिलेटिव के पास आता है, अगर ऐसा मोबाइल किसी के पास में है आपके जानने वाले में, तो ऐसा प्रॉब्लम उनके मोबाइल में भी आएगा, तो ये वीडियो उनके पास भेजिए और जो है उनका भी जो प्रॉब्लम रहेगा वो भी सही हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।